हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोनिया एस आई वेलकम यू टू द इन्वायरमेंट रिवाइज थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोर्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस कोर्स मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स में हम अपनी बेसिक जो बुक है उससे जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वी आर गोइंग थ्रू द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं बुक में उससे रिलेटेड हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं यू chapter है स्टार्टिंग के आर अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को आपको डिटेल में कराया जा रहा है सो so दैट कोई भी अप्लाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल आए आप उसको कॉन्फिडेंटली कर पाओगे एंड

उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा एंड देन वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन ठीक एंड वन मोर थिंग ये पोल्यूशन का चैप्टर है इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री तो यहां पे बिकॉज वी विल डील विद अ लॉट ऑफ केमिकल्स तो अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो एंड इफ यू फील बॉक्ड डाउन कि आपको लगे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आफ्टर वन और टू रिविजन जो भी केमिकल्स हैं जो भी जो भी ऑक्साइड्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको स्लोली इंस्टली याद हो जाएंगे और इसमें सारे के सारे याद नहीं करने हैं आपको मैं कुछ एटलीस्ट टिप्स बताऊंगा और हाउ टू एलिमिनेट और अराइव बिकॉज यू नो बिकॉज पॉल्यूशन इन जनरल इज लाइक अ वेरी बर्निंग टॉपिक तो उससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं तो यहाँ पे जो बेसिक जो एटलीस्ट ग्रीन हाउस गैसेज हो गई कुछ या जो भी कॉन्सेप्ट उस से समझ लेंगे ठीक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड अस पहली बात अगेन प्लीज बी वेरी अलर्ट करेक्ट पूछा है एंड फोर इंपॉर्टेंट ऑक्साइड जैसे आपने कार्बन मोनोक्साइड देख लिया लेट ग्राउंड ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड ठीक ये चार पूछे हैं एंड वी हैव टू मैच तो इनकेस uh, अगर आपने अपने साइंस में बायोलॉजी या बेसिक एनसीआरटी पढ़ी है तो आपको ये पता है कि जो कार्बन मोनोक्साइड है इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ये बाइंड कर जाता है कार्बन मोनॉक्साइड जिससे कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड में वो बिकॉज वो बाइंड कर नहीं पाएगा तो ये रिड्यूस हो जाता है तो ये बहुत एक हार्मफुल इफेक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो यहाँ पे वन इट सेज इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट इफ वन इज करेक्ट तो एटलीस्ट ये स्टेटमेंट आंसर नहीं हो सकता अब देखो लेड है ग्राउंड ओजोन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो सी आई विल टेल यू ग्राउंड ओजोन आप जब भी लाइक बात करो तो ओजोन एटलीस्ट दो टर्म्स में होती है एक तो ग्राउंड ओजोन है विच इज हार्मफुल पर जो ओजोन अपने हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में दैट इज यूजफुल क्योंकि वो इट हेल्प्स यू इन केस ऑफ जो यूवी रेज है उनसे बचाती है ठीक तो यहां पे क्या लिखा है ग्राउंड ओजोन कैन कॉज नर्वस सिस्टम का डैमेज फाइन तो एक ये पॉइंट पूछा गया है दूसरा क्या हुआ है लास्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन कॉज स्मॉग और अभी स्मॉग एसिड रेन को भी हम इसी चैप्टर uh, में में और में, और क्वेश्चंस बहुत डिटेल करेंगे तो सी वन एंड फोर इज एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पे आंसर है ना लेड एंड ग्राउंड ओजोन तो देखो ग्राउंड ओजोन में क्या कर दिया डैमेज फाइन लेड इन जनरल बिकॉज ऑफ जो भी पहले लेडेड पेट्रोल था या बाकी जो पॉल्यूटेंट थे एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल लेड बैटरीज हेयर डाइज इन प्रोडक्ट में तो ये हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है दोनों को इम्पैक्ट करता है ठीक ग्राउंड ओजोन की बात करी तो जो व्हीकल्स हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज होगी दे आर द मेजर सोर्सेस ऑफ ग्राउंड ओजोन के एमिशन के फाइन तो ये एक तरह से दे आर लोअर आवर रेजिस्टेंस तो वॉट डिड यू लर्न इन दिस क्वेश्चन कार्बन मोनोक्साइड लेड, ग्राउंड ओजोन और आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में देखा और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट दिल कवर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ये कॉन्सेप्ट आपने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा है मेरे साथ उसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ वेस्ट वॉटर इंक्रीजेस

जो वॉटर है अगर इफ देर इज अ वेस्ट इन वॉटर वेस्ट कैन बी बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक अगर वेस्ट है वॉटर में तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज और इसमें अगर इफ द कंटेंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज लेस देन एट मिलीग्राम पर लीटर तो उसको कॉन्टेमिनेटेड वॉटर माना जाता है उससे और कम होगा मे बी अराउंड फोर हाईली पोल्यूटेड वॉटर बोलते हैं ठीक अब एक चीज आप समझो हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी और ये बहुत है, हमने, remember, मैंने आपको कॉन्सेप्टिमी से रिलेटेड अमाउंट तो अगर बहुत ज्यादा वेस्ट होगा तो इससे क्या होगा जो इंक्रीज हो जाएगा डिकम्पोजिशन और ऑक्सीजन का जो कंजम्शन लाइक हमने पिछले बार भी देखा था ऑक्सीजन जैसे ही कंजम्पन इंक्रीज होगा तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज ना इफ द ऑक्सीजन कंजन इज इंक्रीजिंग ये बस अगर हमें चीज याद रहेगी तो वील बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन फाइन और उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और चीज है कि अगर बहुत ज्यादा आपका बीओडी है पानी में इफ द इफ तो इट से लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्टेंट फाइन दूसरी बात क्या है एक होता है ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स होते हैं तो ये पूरी एक करेक्ट पिक्चर आपको नहीं देता है पोल्यूशन की जैसे फॉर एग्जांपल देर इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म बायोलॉजिकल में अगर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स है एंड यू नो बिकॉज ऑफ द वेस्ट बढ़ रहा है मरीन पोल्यूशन बढ़ रहा है राइट right? तो ये आपका बीओडी इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ क्लीन पिक्चर ऑफ एग्जैक्टली कितना ज्यादा पॉल्यूशन है फाइन ये हम को समझ के अब हम इस क्वेश्चन अटेंड करते हैं पे डिक्रीज हो जाएगा। आप समझ गए हो यही कॉन्सेप्ट हमने देखा है इसको आप सीधे इससे समझो ऑक्सीजन कंजन बढ़ जाएगा डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा दिस इज रॉन्ग हायर वैल्यू ऑफ BOD डिमांड अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन बिल्कुल सही है तो पूरी तरह से यू कैन नॉट एग्जैक्टली क्या पोल्यूशन है सो so, एक रिलायबल मेथड नहीं है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है हमसे करेक्ट तो इट हैज बी बी और यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस पर यू है और इसमें हमने कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा है तो एटलीस्ट दीज आपने कुछ नया इसमें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा अगर आपको इतना भी याद रहता है तो आप इस तरह का क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर लोगे। पे आते हैं अगेन कॉन्टेम इन वॉटर पूछा है दिस इज अ वेरी लाइक फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी मकरी कंपाउंड लेड लेड अभी हमने देखा उ ड सिस्टम और कैडमियंट पल्यूट इ देख ले क्या पूछा गया है और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं देखो इट सेज मर्करी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाई बैक्टीरियल एक्शन इन टू असिक मिथाइल मरकरी

ऐसे ट्रैप्स आपको बिल्कुल अलर्टली समझने हैं सो इफ यू दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट सही है अगर इसमें टॉक्सिक लिखा होता बट बिकॉज ऑफ द वर्ड नॉन टॉक्सिक दिस हैज बिकम रॉन्ग फाइन इनकरेक्ट पूछा है तो वन तो होना ही चाहिए तो आंसर हैज टू बी दिस अगर आपने एक स्टेटमेंट भी क्रैक कर लिया आंसर आ जाएगा आपके एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पे कैडमियम जो इताई, इताई इताई डिजीज होती है दिस इज कॉज्ड बाय कैडमियम ठीक तो यहां पे क्या होती है बोन्स और ज्वाइंट से रिलेटेड दिस इज अ वेरी पेनफुल डिजीज तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो आंसर इज वन एंड टू एंड लास्ट में क्या लिखा है मतलब वो cancer -cause करता है For lungs and liver, this is right. तो हमने क्या सीखा मरकरी से मीना माटा कन्वेंशन टॉक्सिक बनता है हमने अभी already देख लिया है. Fine. Next question में बढ़ते हैं एक और एलिमेंट आ गया बेरिलियम ठीक अब देखो ये जब इस तरह से सवाल आ रहे हैं एंड अगेन इस पे पूछा करेक्ट योर ऑब्जेक्टिव शुड बी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ जाओ जो भी एलिमेंट से रिलेटेड क्योंकि हम लोग अगर आप इसको नॉर्मल बुक में पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनी फैक्ट्स यहां पे कोशिश क्या करी गई है थ्रू मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स यहां पे वी आर ट्राइंग टू टेस्ट यू थोड़ा कॉन्सेप्ट याद हो जाए आपको कोई चीजें कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में स्टिक हो जाए और आपका रिटेंशन अच्छा हो जाए फाइन सो एटलीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में डोंट बी बॉक डाउन क्योंकि यहां पे इस तरह के एलिमेंट्स पोल्यूशन इस तरह के काफी एलिमेंट्स आएंगे तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिमेंबर आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक क्या पूछा दीज आर यूज इन द प्लास्टिक हाउसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अब इस क्वेश्चन या स्टेटमेंट से वी वॉन्ट यू टू नो ये कहां यूज होते हैं किस तरह का इनसे अलॉय बन रहा है एंड वॉट इज द काइंड ऑफ डिजीज सो जब भी बेरेलियम दिमाग में आए आपको पता चल जाएगा सी

इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है ठीक ये इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है विच इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट तो कॉपर के साथ अलॉय बना रहा दिस इज करेक्ट और दूसरा क्या है एक्सपोजर मे कॉज स्किन डिजीज विच इज कैरेक्टराइज बाय पुअर वुंड हीलिंग दिस इज ऑल्सो फाइन और आप इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं या या इन सबसे रिलेटेड केमिकल्स जो भी अगर इट मे कॉज इस तरह का ओपन एंडेड स्टेटमेंट है इज कैन जनरली बी ट्रू तो ऐसे स्टेटमेंट आप अटेम्प्ट कर सकते हो फाइन तो यहाँ पे वी एट लीस्टेड टू टेल यू इट्स कॉमनली फाउंड ऑन द मदर बोर्ड एंड फिंगर क्लिप्स कॉपर जो बेरीलियम अलॉय है उसको यूज करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन कर लेते हैं और यहाँ पे इट कैन कॉज लंग कैंसर और जो भी स्किन डिजीज ये सारी चीजें इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से होती है तो हमेशा एक और चीज याद रखो वेन वी टॉक विथ टॉकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर फाइन एक ये चीज हो गई एक और चीज देखते हैं नाउ विथ टॉकिंग ऑफ क्रोमियम सिक्स क्वेश्चन एंड यू यू कैन जस्ट आप एक पेज में ये सारे एलिमेंट अलग से लिख सकते हो आपके क्विक रिविजन के लिए फाइन अब देखो यहां पर पूछा गया इट इज यूज एज अकोरेटिव और अ हार्डनर फॉर पीवीसी प्लास्टिक ठीक उसके बाद क्या पूछा गया है एक्सपोजर कैन कॉज डैमेज टू डी एन एफ द ह्यूमन बॉडी ओके वेन इट स्प्रेड इन वॉटर इट बायो अक्यूमुलेट्स. ये मैं आपको बहुत अच्छे से टर्म समझा चुका हूं आई होप आपको याद है नहीं याद है प्लीज गो बैक टू द्ले लिस्ट सारे टॉपिक्स ऑर्गेनाइज चैप्टर वाइज एंड जस्ट रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अगेन तो देखो क्रोमियम सिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है ये कोरोजन जो हो रहा है आपको जैसे रस्ट या स्टील में जो कोरोजन होता है ये कोरोजन को प्रोटेक्ट करता है ठीक तो ये तो इसका बेसिक यूज हो गया और इसमें लिखा है इट इज यूज एज अ डेकोरेटिव अटिव हार्डनर ठीक पीवीसी प्लास्टिक स्टील दिस इज करेक्ट उसके बाद क्या लिखा है दिस इज इट कैन कॉज डैमेज टू डीएनए बिल्कुल सही बात है और ये बहुत टॉक्सिक होता है इसलिए इसीलिए हमको याद है कैडमियम सिक्स देख लिया बेरिलियम देख लिया और लास्ट जो स्टेटमेंट लिखा है देखो बायो अक्यूमुलेट ये नहीं करेगा इट डज नॉट बायो अक्यूमलेट और बायो अक्यूमिलेट जैसी वर्ड आएगा प्लीज बी रिमाइंडेड वॉट इज बायो अक्यूमेशन वट इज बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो कंसेंट्रेशन ये तीनों टर्म्स मैंने आपको बताए हैं और इनमें डिफरेंस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया है ठीक सो प्लीज रिवाइज इट ये सारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड है तो एक जनरल ट्रेंड हमें क्या मिल रहा है क्रोमियम है बेरिलियम है लेड और मे बी कार्बन मोनोक्साइड ऑल दीज थिंग्स तो दे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट तो एक इस तरह का अगर स्टेटमेंट आएगा सो यू कैन बी वेरी श्योर

उसको डिस्कस करने से पहले आई जस्ट शेयर सम मोर कॉन्सेप्ट देखो इसमें क्या है अभी हम देखेंगे हम लोग वील जस्ट डिस्कस बायो रेम रेमिडिएशन यू फाइन उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लेते हैं एक होता है बायो वेंटिंग दूसरा क्या हो गया बायो ऑगमेंटेशन नाम से आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया लग रहा होगा इनमें से फिर क्या हो गया और देखो इसमें इन सीटू भी होते हैं इन सी टू मतलब जो साइट में ही हो जाते हैं उसी जगह पे और एक्सटू मतलब कहीं और बाहर जाके फाइन और ये चीजें अभी हम इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करेंगे तो विल और क्या हो गया बायो स्पार्जिंग स्पार्जिंग अगर आपको थोड़ा सा भी इस वर्ड की इंग्लिश पता है तो आप इसको समझ जाओगे इसमें क्या होता है एयर प्रेशर को इंजेक्ट करा जाता है वाटर टेबल के बिलो ट so जो ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाए जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उसके बाद क्या होगा आपको पता है ऑक्सीजन से जो डिग्रेडेशन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है वो तेज हो, हो, वो होता है तो द मोमेंट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज तो जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा जो कॉन्टेमिनेट्स का है फाइन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज तो एक क्या है कॉन्सेप्ट आप एयर uh, को प्रेशर में यू आर गोइंग टू इंजेक्ट वाटर टेबल के बिलो सो दैट ग्राउंड वाटर में जो ऑक्सीजन का कॉन्टेंट इज गोइंग टू इंक्रीज बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट हैं बायो ऑगमेंटेशन एंड बायो वेंटिंग फाइन बायो वेंटिंग में क्या हो गया अगेन सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिय होता है कंटेमिनेटेड सॉइल में जिससे कि इंडिजिनस जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बढ़ जाए तो यहां पे एयर और न्यूट्रिएंट्स बायोवेंटिंग में रखे जाते हैं फाइन लास्ट में क्या है बायो ऑगमेंटेशन तो कोई भी मान लो यहां पे कोई साइट है कंटामिनेटेड साइट और बेसिकली तीनों में हम क्या कर रहे हैं जो भी डिग्रेडेशन है उसको एनहांस कर रहे हैं बस माइनर माइनर डिफरेंसेस सब में तो यहां पे क्या होगा माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके उनको दे आर इंपोर्टेड टू दिस साइट ठीक ये कंटामिनेटेड साइट है हमने क्या बात करी दीज आर इन सी टू प्रोसेस यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपोर्टेड सो दैट जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो तेज हो जाए तो इन जनरल जो जैसे फॉर एग्जाम्पल में वी वॉन्ट कि जो इंडिजिनस बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ बढ़े क्यों ग्रोथ बढ़े जिससे कि कॉन्टेमिनेटेड सॉइल का डिग्रेडेशन भी तेजी हो जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं सो एंड दिस कम्स अंडर द बिगर अम्ब्रेला ऑफ अम्ब्रेलाशन वील ऑल्सो डिस्कस इट इसको अच्छे से पढ़ेंगे पर आई होप आप इस चीज को समझ गए हो इन जनरल फाइन अब देखो सवाल देखो इसमें सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया ये भी हमने देख लिया है फाइन जो बैक्टीरिया है ये होता है दिस इज कॉल्ड बायो वेंटिंग दूसरा क्या इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर दिस इज बेसिकली बायोस्पार्जिंग ये हमारा सही आंसर है क्या पूछा था हमसे बायोस्पार्जिंग उसके बाद क्या पूछा है

ट्रांसफॉर्मेशन की जो अपटेक अपटेक मतलब कोई चीज आप यू आर टेकिंग दैट आपने बढ़ा दिया उसका द इनटेक है इससे रिलेटेड एक दो और वर्ड्स है वो मैं आपको बता देता हूं पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है फाइटो एक्सट्रैक्शन इसको बोलते हैं फाइटो एक्यूमुलेशन भी फिर हो गया एक फाइटो स्टेबिलाईजेशन ट है, करते हैं कंटेमेंट को रूट में और प्लांट्स याद आ जाएगा और प्लांट जो भी हैं वो कंटेमेंट्स को रूट में अक्यूमलेट कर लेंगे फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया ऑर्गेनिक जो कंटेमेंट है सॉइल में ये सारे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक स्टेबल और एक लेस जो टॉक्सिक स में और फाइटो में क्या है प्लांट्स जो मोबिलिटी है और माइग्रेशन है जो का उसको रिड्यूस कर देते हैं जैसे आप देखते हो बहुत बार एलिमेंट uh, लीच होते रहते हैं ना दे आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर गेटिंग तो ये सारा चीज चीजें दे आर एबल टू अब्सॉर्व दिस थिंग्स नाम से ही पता है फाइटो फाइटोस्टेबिलाई मतलब कोई भी चीज है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ अंटाम तो उसको एक तरह से पे इसका मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा मूव करेगा तो ये बाकी एरियाज़ को भी मतलब इंपैक्ट करेगा तो फाइटो स्टेबिलाईन से क्या करते हैं इसको ऑलमोस्ट एक जगह पे ऑलमोस्ट इट गेट्स ठीक अगेन जस्ट द क्वेश्चन फाइटो डिग्रेडेशन पूछा गया हमसे डिग्रेडेशन या फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर बी नेक्स्ट आते हैं ये अभी हमने देखा ही हुआ है फाइन क्वेश्चन आज क्या बायो रेमिडिएशन और इसमें कॉन्सेप्ट और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है इट कॉसेस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पल्यूट पहला चीज दूसरा क्या कह रहा है इट्स एडवांटेज इज दैट इट कैन बी यूज सॉरी इट्स एडवांटेज इज दैट इट कैन बी यूज अगेंस्ट बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड

रेमिडिएशन का कि जो पहली बात तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है नाम से ही पता है आपको बायो वर्ड आ गया एनवायरमेंटल फ्रेंडली दूसरी क्या है पैसे इसमें कम लगते हैं और जो टारगेट जो पल्यूटेंट है उसको पूरी तरह से आप हटा सकते हो ठीक जो टारगेट पोलूटेंट कंटेमिनेट उसको पूरी तरह से रिमूव कर सकते हो पर इसमें इश्यूज भी है पहली बात क्योंकि आपको पर्टिकुलर बायो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है तो ये बहुत स्पेसिफिक है ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जगह पे आप कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम को इंट्रोड्यूस कर दो और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए दैट विल नॉट हैपन सेकंड क्या है ये समय ज्यादा लेता है बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस इट टेक्स टाइम ठीक लॉन्गर टाइम तो दीज आर सम ऑफ द समगेटिव पॉजिटिव तो मैंने आपको बता ही दिए सिमिलरली देखो जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में इट टेक्स मोर टाइम उस इसी चीज से आपको लिंक कर सकते हो कि अच्छा ठीक है इट्स नेचुरल प्रोसेस इट इज टू टेक मोर टाइम एक और लिमिटेशन क्या है जो चीज बायोडिग्रेडेबल है ये सिर्फ वही उसी तक ही सीमित है सिर्फ उस पर ही काम कर पाएगा राइट right? अब देखो क्या लिखा है इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट मैंने आपको बताया दिस इज ट्रू वन होना ही चाहिए क्या लिखा है इट्स एडवांटेज इज दैट इट कैन बी यूज अगेंस्ट बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड एबसोल्यूटली रॉन्ग इट्स ओनली बायोडिग्रेडेबल तक ही सीमित है ये स्टेटमेंट गलत हो गया एक स्टेटमेंट गलत हुआ देखो आपका आंसर आ गया अगर आपको पता भी नहीं है वॉट इज स्टेटमेंट थ्री ठीक यू कैन स्टिल अराइव एट द राइट आंसर इसमें क्या पूछा है इट टेक्स लॉन्गर टाइम देन दर अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस वी हैव अभी हमने देखा दिस इज एप करेक्ट स्टेटमेंट फाइन आगे बढ़ते हैं अगेन देखो

दिस इज linked विद ओजोन फाइन उसके बाद जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है एक तरह से एसओ टू में यहां लिख दे रहा हूं और जो फ्लोराइड कंटेनिंग गैसेज हैं, राइट जो फ्लोराइड कंटेनिंग बेसिक गैसेस हैं ये हो गए आपकी ग्लास से रिलेटेड ये हो गया फ्लोराइड और आपको इसी से रिलेटेड आई जस्ट टेल यू फ्यू एलिमेंट्स तो आपको देखो याद करने के लिए जो रबर है यह आपको ओजोन जैसे मेटीरियल हो गया उसमें मिल जाएगी सिमिलरली एक दो और मेटीरियल है फॉर एग्जाम्पल अगर आप टे, टेक्सटाइल्स की बात करो ठीक तो टेक्सटाइल में बेसिकली आपको सल्फर ऑक्साइड है ना मैंने एसओ एक्स लिख दिया ये हो गया पेपर अभी देखो पेपर हम लोग पेपर यूज करते हैं ठीक पेपर से अगेन यू हैव योर सल्फर डाइऑक्साइड्स ठीक

ओजोन रबर हो गया ठीक और आपका पेपर है इट्स सल्फर ऑक्साइड्स एंड ग्लास इज रिलेटेड टू फ्लोराइड कंटेनिंग गैसेस टेक्सटाइल्स में नॉक्स हो गया जस्ट जस्ट ये आपके फॉर क्विक इस तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल कोई भी आएगा सो यू विल बी एटलीस्ट एबल टू एक फेयर विलडिया होगा आपको ठीक नाउ दिस इज अ गुड अप्लाइड एटलीस्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कौन सा ऐसा फैक्टर्स है तो बायोलॉजिकल डैमेज जो होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन से उस पर डिपेंड करता है फाइन इट इज आस्किंग रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होगा उससे जो बायोलॉजिकल डैमेज हो रहा है वो कौन से फैक्टर्स डिपेंड करता अगेन बी वेरी अलर्ट इनकरेक्ट पूछा है तो मैं आपको जस्ट हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं देखो तो रेडियो एक्टिविटी जो मतलब प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसमें क्या क्या मतलब हो, रिलीज होता है इसमें एल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स गामा रेस ये सब रिलीज हो रहे हैं फाइन इसको हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इसके सोर्सेस क्या हो गए आपने यूर, यूरेनियम, थोरियम कार्बन फोर्टीन ये सारे आप आपके सोर्सेस हैं, और भी है जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इन सबसे रेडियो एक्टिव या फिर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रेडिएशन थेरेपी सो ऑल दीज आर द प्रॉपर सोर्सेस जहां से ये रिलीज होगा अब इससे रिलेटेड जो चीजें हैं इसमें कुछ जो रेडिएशन होते हैं कुछ आयनाइजिंग होते हैं और कुछ नॉन आयनाइजिंग होते हैं अब इसमें सवाल ठीक ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया क्या एलिमेंट्स है वॉट इज द बेसिक थिंग अबाउट क्या पूछा है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे बायोलॉजिकल डैमेज ये सब डिपेंड करेगा टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन बिल्कुल टाइम ऑफ एक्सपोजर कितनी देर के लिए हो सकता है एक सेकंड का एक्सपोजर है या एक साल या एक महीने का जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फूकोशीमा डिजास्टर हुई या कोई ऐसा न्यूक्लियर प्लांट के साथ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अगर वो रेडिएशन बहुत मुश्किल से कुछ घंटों का है कुछ मिनट्स का है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट और मान लो वो बहुत लंबा इम्पैक्ट है ठीक इंटेंसिटी एब्सोल्युटली करेक्ट और रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी बिल्कुल सही है चारों चीजें बिल्कुल सही है तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज फाइन नेक्स्ट आते हैं क्या पूछा है एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स ये भी कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं अपने पिछले क्लास में अक्वेटिक इकोसिस्टम्स में तो इसमें क्या हुआ और देखो एसिडिफिकेशन ऑफ लेक कैसे हो सकता है इसके दो कारण हो सकते हैं इट कैन बी बोथ एंड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड ठीक ये सब कुछ पॉसिबल है इसमें सो so, सी क्या पूछा गया अपने से करेक्ट पूछा गया व्हाट इज करेक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक कार्बन आर हाई वे ट्रांसपेरेंसी इज लो इन केस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एसिडिक लेक्स एज कंपेर टू नेचुरल एसिडिक लेकिन अब यहां पर आपको दो चीजों में कंपेयर करा रहा है इसको हम देख लेते हैं एक बार एक हो गया नेचुरली जो एसिडिक है लेक और दूसरा क्या हुआ जो मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कॉजे की वजह से जो लेक एसिडिक हो रहा है राइट इसमें एक तो जो जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं सो तो ये कॉन्सेप्ट एसिडिफिकेशन का हमारा क्लियर हो जाएगा अब एसिडिफिकेशन बिफोर टेलिंग द डिफरेंस एसिडिफिकेशन होता क्या है जो भी सल्फर या नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जो भी बेसिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से दिस थिंग डिपॉजिटेड इन द लेक्स ठीक उसकी वजह से बेसिक uh, जो uh, क्या नाम है द कॉम्पोजिशन या पीएच जो है हमारा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज अगर पीएच सात से इस साइड आगे बढ़ता है तो वो एल्कलाइन हो जाता है अगर इफ इट रिड्यूसेस एंड गोस टू जीरो जो अगर मान लो सिक्स है फाइव है देन इट बिकम्स एसिडिक तो अगर पूछा जाए कि इफ द पी एच रिड्यूस एसिडिक बिकम करेक्ट फाइन अब इसमें एक जो पहली चीज है <coughs> कि कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन नेचुरली जो लेक्स में है वो हाई होती है पर इसकी ट्रांसपेरेंसी लो होती है और यहां पे एंथ्रोपोजेनिक जो मैनमेड है यहां पे डिजोल्व जो ऑर्गेनिक कार्बन है डीओसी दैट इज लो पर ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट दोनों चीज ट्विस्ट हो रही है यहां पे डिजोल्व ऑर्गेनिक जो कार्बन है ये हाई है और आप इसको ऐसे समझ सकते हो जो ऑर्गेनिक डिजोल्व कार्बन है नेचुरल रेक्स में हाई होगा ही ठीक इसीलिए इनकी ट्रांसपेरेंसी लो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए उसके बाद क्या है यहाँ पे क्योंकि नेचुरल इस तरह से बहुत अच्छा वैसे लेक होता है नेचुरली जो एसिडिक है तो यहाँ पेटिक पे लाइफ ढेर सारी होती है एज सेम चीज नहीं हो सकती यहाँ पे कुछ हो सकता है पर्टिकुलर मान लो ऑर्गेनिजम हो कुछ नहीं हो ये वर्ड आपस आप नेचुरल याद रखो तो नेचुरल अगर होगा तो ऑर्गेनिक जो कार्बन है दैट इज टू बी हाई एक तरह से डाइवर्सिटी भी अच्छी होगी बाकी सारी चीजें डिसेंट होगी ठीक अब इसी सवाल को हम अटेम्प्ट करते हैं क्या कह रहा है जो डीओसी है हाई है किसमें एंथ्रोपोजेनिक में अगेन ये स्टेटमेंट गलत है थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है तो अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है यू so, नो you know, जो ऑर्गेनिक कार्बन हाई किसमें होता है नेचुरली एसिडिक लेक में और हमने लाइक उसके रीजन भी समझ लिया दूसरा क्या लिखा है एसिडिक सॉरी एंथ्रोपोजेनिक एसिडिक लेक्स का पीएच लो होता है बट दे आर वेल बफर्ड एक्चुअली दिस इज रॉन्ग दे आर पुअरली बफर्ड और जो पहली बात अगर नेचुरली एसिडिक लेक है इसका पीएच कम होगा ना देखो इनका लो पीएच होता है पर दीज आर वेल बफर्ड मेन बफर्ड की बात है बफर्ड क्यों नहीं होता है एसिडिक एंथ्रोपोजेनिक यहां पे जो एमिशन या एक तरह से एफ्लुएंस है देर इज नो सिस्टमैटिक वे नेचुरल केस में तो जो एक तरह से पोल्यूशन का लेवल्स है वो बहुत नॉर्मली या लॉन्ग टर्म पे इंक्रीज होता है एंथ्रोपोजेनिक पे पहली बात तो इट इंक्रीजेज वेरी फेयरली फास्ट दूसरा कि जो एफ्लुएंट्स है या जो इंडस्ट्रीज के आउटपुट है उसमें कोई पैटर्न नहीं है राइट तो आप ये समझ गए नेक्स्ट एंथ्रोपोजेनिकली एसिडिफिक एसिडिफाइड लेक विल हैव वेरी क्लियर वाटर ठीक इसका रीजन क्या है यस yes, इनका पानी बहुत ज्यादा साफ होता है क्योंकि यहां पे जो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस्ड होती है एंड जो नेचुरली एसिडिफाइड लेक है उसमें कलर जो ब्राउन से येलो होता है फाइन आई तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए पहली बात ऑर्गेनिक कार्बन विल बी हाई इनचुरल लेक दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक वाला लेक है दे आर पुअरली बफर्ड तीसरा जो वाला आपका लेक है क्लियर वाटर होगा उसकी रीजन क्या है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे कम होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फाइन आंसर क्या हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट वन एंड टू आर कर, आर रॉन्ग आंसर इज स्टेट ओनली थ्री नेक्स्ट आते हैं यहां है। <coughs> पे चार रेडिएशंस दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा एक्सरे आप एटलीस्ट इनको वॉट इज द इनवाटल इंपैक्ट ऑफ दीज रेडिएशन रेडिएशन से रिलेटेड अभी जस्ट एक आपने कॉन्सेप्ट एक और देखा फाइन बेसिकली वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रेडिएशन एंड बायोलॉजिकल इंपैक्ट अब देखो यहां पे इसमें आप बिकॉज यू आपको पता है यहाँ पे वर्ड्स ध्यान से पढ़ो कैन पेनीट्रेट द स्किन कैन नॉट डैमेज द टिश्यू कैन इजली पेनीट्रेट तो ये दिस इज अ रिलेटिवली क्वेश्चन तो जो आपको ये पता है अल्फा और देखो अब डाउट हो सकता है बीटा और गामा सॉरी गामा और एक्स रेस में अल्फा बीटा में आई डोंट थिंक आपको इतना डाउट होगा तो देखो अल्फा वेव्स नाम से ही पता है अल्फा वेव्स एटलीस्ट जो स्पेक्ट्रम के स्टार्टिंग में रहेंगे तो इसमें दे कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन अल्फा वेब बट इफ इफ दर सोर्स इन साइड द बॉडी दे कैन कॉज डैमेज पेनिट्रेट नहीं कर पाते स्किन को इतना हमें पता चल गया इसके आगे जब बीटा वेव्स में आएंगे तो स्किन का तो पेनिट्रेट कर सकते हैं पर वो डैमेज नहीं कर पाएंगे टिश्यूज को दे कैन नॉट डैमेज द टिश्यूज फाइन अब आ गए हम गामा रेज में और एक्स रेज में तो गामा रेज है तो दे कैन ईजिली पेनिट्रेट द बॉडी एंड दे कैन कॉज डैमेज टू द सेल स्ट्रक्चर फाइन तो सेल स्ट्रक्चर को डैमेज आराम से कर सकते हैं लास्ट आके आपका एक्सरेज तो ये बहुत ज्यादा मतलब दे कैन ट्रेवल बॉडी से भी पास कर सकते हैं पर बोन्स से पास नहीं कर सकते हैं इससे आपको अपना एक्सरेज जो मेडिकल आप एक्सरेज करते हो तो उसमें जो आपके बोन्स यू कैन क्लियरली सी दम तो बाकी सारे टिश्यूज से पास करेंगे एक्सेप्ट बोन्स ठीक तो दिस इज रिलेटिवली uh, आप इसको समझ भी सकते हो कि ऐसा क्या है और अब इसमें इसमें एक सवाल आ सकता है है। है, कि can cause damage to the cells? Yes. इसका आंसर yes. को को करते हैं। हैं। इसीलिए जो का तो तो उसको minimize करा जाता है. Fine. तो यहां पे almost cells को काफी damage कर सकते हैं. तो इसमें आप ये चीज देखो कौन स्किन को पेनीट्रेट कर पा रहा है कौन बॉडी को पेनीट्रेट कर पा रहा है तो एल्फा बीटा गामा एक्सरे आप इसको पूरे ऑर्गेनाइज करके समझ सकते हो फाइन

जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक सनलाइट हो गई है नाइट्रोजन uh, ऑक्साइड्स हैं और वीओसीज वीओसीज मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो जब ये एक तरह से मिलते हैं ठीक तो यहां पे आपको एर, जो भी एयरबोन पार्टिकल्स और ग्राउंड लेवल ओजोन मिल रही है राइट तो ये एक तरह से यू एक स्मॉग बन गई फोटो स्मॉग नाम से ही पता है केमिकल है तो केमिकल से याद आप कर लेना नॉक्स एंड वीओसीज फाइन अब इसमें कौन चीजें पार्ट हो सकती हैं तो केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे इसमें एल्डिहाइड्स हो सकते हैं नॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पैन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है पैन क्या होता है पर नाइट्रेट्स पैन इज अ पार्ट अगेन और क्या होता है ट्रोपोस्फ़ेरिक ओज़ोन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड वीओसी तो एक बार फिर से मैं बोल दू एल्डिहाइड्स नॉक्स पैन मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट

So, इससे आप ये याद रखो ये समर्स में ही यूल वार्म वार्मरेचर आप ध्यान रखो इसी से रिलेटेड अभी एक और लंडन स्मोक वाला कॉन्सेप्ट करेंगे सो जस्ट कीप दैट इन माइंड फाइन फोटोकेमिकल स्मोक क्या सनलाइट एंड एंडिटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या पूछा गया इसमें से कौन इसके पार्ट हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू पार्ट्स

हमें ऑप्शन को देखना है सोचना है ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है फाइन ओजोन लेयर का डिप्लीशन यस yes. <coughs> दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ वॉटर कैचमेंट एरिया करेक्ट इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दर ये भी होता है एडवर्स इंपैक्ट। इनफैक्ट अगर सीओ टू इंक्रीज हो रहा है उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज दैट इज इंक्रीजिंग Which is why आपका ओजोन ले डिप्लीट होगा एंड ग्लोबल वार्मिंग तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सारे के सारे आपके जो ऑप्शन सही हैं एंड सी वन मोर थिंग आई टू टेल यू जैसे जब भी फॉरेस्ट फायर हो रही है तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग द इंसिडेंसेज आर इंक्रीजिंग यू आपने एमेजोन फॉरेस्ट में सुना होगा आपने जो ऑस्ट्रेलिया में जो एक तरह से एक रेविजिंग एक फायर आई थी उसके बारे में सुना होगा तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो जो ग्लोबल मीन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट हो रही है और उसके और भी इम्प्लीकेशन है जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंपैक्ट हो रहा है ओजोन लेयर तो मैंने दिया डिप्लीट होगी सॉइल इरोजन है डिग्रेडेशन ऑफ वाटर कैचमेंट बायोडाइवर्सिटी और कार्बन जो सिंक है दैट इज एक तरह से ना लॉस ऑफ कार्बन सिंक सो ऑल दीज हैपनिंग सो इन दैट सेंस दिस इज समथिंग

वट आर द बेसिक थिंग्स देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यह सवाल आता ही नहीं है राइट right? तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो यहां पर यू कैन एटलीस्ट सॉल्व इट थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन प्लूटोनियम प्लूटोनियम अब फ्लायश में कैसे मिलेगा आपको इफ यू नो की प्लूटोनियम कैन नॉट बी द आंसर इफ यू एलिमिनेट प्लूटोनियम देन यू हैव टू चूज बिटवीन वन एंड टू एंड वन टू फोर फाइव अभी मैं आपको फ्लैश थोड़ा सा बता, बताता भी हूँ बेसिक में बट then if you have to choose so at least mercury, so you can think okay mercury can be a part. so the best possible option would be this. ab is tarah ke concepts aayenge har bar paper mein because they are testing you on your elimination and basic knowledge. तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने notes में वैसे पढ़ रहे हो कि हाँ fly ash में ऐसे चार पांच चीजें होती हैं और U P C वही पूछ ले आपसे. तो on these kind of questions you are also expected to apply your knowledge. see अब देखो what is fly ash? तो अगर जो आपका कोल आप बर्न कर रहे हो साफ साफ ठीक तो इफ इफ यू आर बर्निंग द कोल देन इट इज गोइंग टू लीड टू बहुत ज्यादा एक फ्लाश uh, बनेगी उसमें टॉक्सिक पोल्यूटी कौन कौन हो सकता है जैसे लेड जिंक आर्सेनिक या इस क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर्सेनिक एंड कैडमियम आर गोइंग टू गेट रिलीज फाइन उसके बाद जो रेडियो एक्टिव में यूरोनियम थोरियम भी हो सकते हैं फाइन इससे क्या होगा ऑफकोर्स नेगेटिव हेल्थ तो होंगे ही होंगे और उसके बाद जो एक तरह से फॉर uh, एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले ब्लड सैंपल्स लिए गए थे लोगों के कोल पावर प्लांट्स के आसपास तो उनके ब्लड में इट हैड ऑलमोस्ट वेरी हाई एंड अनसेफ लेवल्स ऑफ मरकरी तो इसीलिए जो भी uh, ना जो कोल बर्निंग से रिलेटेड जस्ट इट्स नॉट जस्ट कि आपकी कुछ एमिशन हो रहे हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आर कमिंग आउट

Uh, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किस तरह से हाउ इज इट डिप्लीटिंग लेयर तो ओजोन uh, लेयर तो वो इट इज डिप्लीटिंग इट उसके अलावा एयर क्वालिटी आपकी रिड्यूस या वर्सन कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फाइन तो ओजोन और उसमें ना मतलब ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट तो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको एसिड रेन नाइट्रिक एसिड ये पता हो गया हाउ इज इट क्रिएटिंग ग्राउंड लेवल ओजोन ये भी है एंड देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ऑल्सो अ पार्ट विच इज इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू फाइन एक और देख लेते हैं फटाक से मकरी ब्लीचिंग लिकर फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोरिन एंड उसके जो इंडस्ट्रियल सोर्स है दैट हैज बीन आस्ट फाइन इस सवाल में मर्करी uh, और एटलीस्ट मर्करी में आई थिंक यू वुड बी एटलीस्ट अवेयर ऑफ इट मर्करी जो आयरन एंड स्टील जो आपके इंडस्ट्रियल सोर्सेस हैं मरकरी वहां से uh, निकल रहा है फिर दूसरी चीज क्या पूछिए ब्लीचिंग लिकर तो दिस इज योर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री उसके बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड पूछा गया है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इज रीज फ्रॉम द माइनिंग इंडस्ट्री फाइन और फ्लोरीन पूछा गया है तो फ्लोरीन इज रिलेटेड टू केमिकल प्लांट्स और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर टॉकिंग ऑफ मर्करी इन आपको पता ही मर्करी वॉट इट कॉजेज इट कॉजेस मीना माटर डिजीज तो आयरन और, और स्टील देखो वी वी कैन ऑल्सो डिस्कस सम इंडस्ट्रीज और उसमें कौन से पल्यूटेंट आते हैं और पॉल्यूट हमेशा दो तरह से होते हैं पल्यूटेंट कैन भी इनऑर्गेनिक एंड पल्यूटेंट कैन बी ऑर्गेनिक फाइन इंडस्ट्री अब जैसे माइनिंग इंडस्ट्री तो माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स होंगे हाइड्रोजन uh, सल्फाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड ठीक क्लोराइड्स हो सकते हैं हैवी मेटल्स बहुत कुछ हो सकते हैं माइन के वेस्ट तो है ही सिमिलरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मरकरी मैंने आपको बता दिया अपार्ट फ्रॉम मरकरी जैसे कि कैडमियम हो गया क्रोमियम हो गया ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक भी पल्यूटेंट्स हो गए जैसे कि फेनॉल और नैप्था फाइन अब आपको इफ यू आर एबल टू रिकॉल इस तरह से आयरन एंड स्टील या बाकी फर्टिलाइजर जो भी इंडस्ट्रीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैव बीन फाइन अब इसे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है जो भी हमने क्वेश्चन में देखा तो वहां पे सल्फाइड्स यू आर एबल टू फाइंड ऑर्गेनिक में जैसे वुड एन जो वुड शुगर हो गए बार्क बार्क विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री तो ये एक तरह से सा ऑर्गेनिक सारे ओवरऑल ऑर्गेनिकल्यूलर फाइबर्स दीज आर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंस तो इसमें एक और चीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन का ध्यान रखना Fine. Correctly matched पूछा था तो हेयर सेवेंटी थ्री जो दिस क्वेश्चन एक और सवाल स्मोग पे और यह सवाल आपको पूरी तरह से आपने दो सवाल ऑलरेडी देख ली है फोटोकेमिकल स्मोग हमने देखा इन जनरल राइट तो अब अब क्या पूछा गया है हमें एल एल ए स्मोग और एल ए स्मोग को समझने से पहले एटलीस्ट हमें दोनों स्मोक के टाइप्स पता हो, हो गए होने चाहिए राइट जस्ट अ सेकेंड एक तो हमने देख लिया था फोटोकेमिकल स्मोक जिसमें सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दूसरा अभी क्या हो रहा है नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ यहां पे जैसे पूछा गया लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मोक डेवलप्स ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ जस्ट या सल्फर डाइऑक्साइड्स इन एयर ये पूछा गया है पहला जो स्टेटमेंट है आपने को उसके बाद व्हाट वे प्रॉब्लम ऑफ रिकेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स हैज अ रिलेशन विद स्मॉग नेक्स्ट माउंटेन टोपोलॉजी अराउंड द सिटीज डिक्रीजेस द स्मॉग इन दिटी ड्यू टू

वन विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम डिक्रीज ऑफ वाइटामिन डी प्रोडक्शन तो इसमें दिस इज अ पार्ट तो दूसरी बात जो हैवी स्मोक है उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिजीजे होंगी राइट विजिबिलिटी इज गेटिंग हेम्पर्ड ये तो हम लोग को पता ही है स्मोक की वजह से कितने ज्यादा डिले हो जाते हैं एयरक्राफ्ट लाइक ओवरऑल एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो लाइक डिलेड फाइन एंड इन जनरल अगर बहुत हैवी ट्रैफिक है हाई टेम्परेचर है काम विंड हैं तो यहां पे इट इज फाउंड लाइक जैसे मैं इसको लिख भी देता हूं हैवी टेम्परेचर ट्रैफिक उसकी वजह से क्या होगा अगर जैसे विंटर्स है फॉर एग्जाम्पल तो विंटर्स में विंड की स्पीड लो होती है तो अगर स्मॉग यहां पे है तो दैट स्मॉग विल नॉट बी एबल टू मूव तो ये पर्टिकुलर स्मॉग स्पेशली जैसे आपने डेली स्मॉग का आपको आइडिया है ये सारा तो दिस ऑफन स्टेज फॉर मेनी डेज तो यहां पे पोल्यूशन लेवल्स ये सारी चीजें उस इंक्रीज हो जाती हैं राइट तो दिस इज वन ऑफ द लाइक थिंग्स विच इंपैक्ट इट फाइन उसके बाद क्या है uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं जो फॉर फॉर एग्जाम्पल ओजोन से रिलेटेड एक और चीज आपको पता हो जानी चाहिए दट ओजोन इन जनरल जो ग्राउंड जो आपकी ओजोन है आई जस्ट क्विकली टेल यू दो ग्राउंड लेवल जो ओजोन है एंड द ओोन इन द स्ट्रेटोस्फिर दोनों में जो डिफरेंस आई थिंक मैंने आपको पहले बताया बट जस्ट फॉर ए क्विक रिकाउंड लेवल ओजोन है recap, जो साथ करती है fine. और जो आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो आपको यूवी रेडिएशन से बचाती है तो इसलिए बहुत जरूरी हो गई है और जो आपकी ग्राउंड वाली ओजोन है ये होती है इट एक्चुअली हार्मेल्थ फाइन सो दिस इज समिंग विच वी शुड नो अब इस सवाल में अब एक बार हम फिर से अपने सवाल पे वापिस चले आते हैं हमने क्या देखा स्टेटमेंट टू इज एप्सुलटी करेक्ट स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रहा है कि माउंटेन जो टाइपॉलिची है अराउंड दिटी इज इट डिक्रीजेज द स्मोक इन दिटी ड्यू टू द इंसर्जेंस ऑफ फ्रेश एयर तो अभी हमने देखा कि इट डज नॉट डिक्रीज दैट सो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट दूसरा क्या है एल ए टाइप ऑफ स्मोक डेवलप ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देखो बेसिकली इट इट्स आल्सो रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो अगर इफ नाइट्रोजन भी होता तो फाइन है पर यहाँ पे जो एला टाइप ऑफ जो स्मॉग है इट इट कैन आल्सो डेवलप विद द सल्फर डाइऑक्साइड सो बेसिकली द आंसर टू दिस कैन बी द स्टेटमेंट नंबर और सॉरी इट इज सेइंग सल्फर ओके ओके सी यू हैव टू एलिमिनेट दिस थिंग यहां पे नाइट्रोजन होता तो सही होता अगर देखो और हाई कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, हो सकता है सल्फर ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर चलता पर इन जनरल सल्फर डाइऑक्साइड्रेशन इज नॉट वी आर कंसर्ट इज नॉक्स नॉक्स याद कर लो स्मोक के साथ यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी बी फाइन रिकेट्स आप समझ गए उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोक ओजोन के रोल कौन कैसे बन रहा है टेम्परेचर कैसा है कौन किस समय कितनी देर के लिए लाइक व्हाट इज गोइंग टू स्टक अराउंड हमें क्या पता है काम विंड्स और हाई टेम्परेचर ये सारी चीजों की वजह से ऑल दीज प्रोमिनेंट लाइक पार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं ई वेस्ट की तरफ ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर यूज्ड एज अ कोरोजन प्रोटेक्टर फॉर अनट्रीटेड एंड गैलवे स्टील प्लेट्स ठीक एक तो ये आपसे पूछ लिया गया और यहां पे क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट राइट दूसरा क्या पूछा मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट इन इंडिया इज रिसकल बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ड्यू टू द ईपीआर नॉर्म्स अभी इस क्वेश्चन में लेट लेटेस ऑल्सो डिस्कस जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा है ना ई वेस्ट का व्हाट इज एन ई वेस्ट कैसे हो रहा है तो पहली बात तो जैसे ही आप ये वर्ड देखोगे देखोगी सेक्टर दिस इज रॉन्ग दिस इज योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक ये तो पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत हो गया राइट और दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइन गलत हो गया राइट अब उसके बाद जैसे हम बात करें ना वेन वी आर टॉकिंग ऑफ बी एफ दिस ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार राइट तो यहां पर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगेन इज रॉन्ग तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दे आर यूज प्रोटेक्टर ऑफ आपको याद होगा ये मैंने steel plates related या untreated, मैंने से या आपको अभी अभी कुछ सवाल पहले बताया। है। Can you recall that? अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। I think मैं आपको भी जब एक तरह से पूरा फिर से रिकैप करूंगा यूज ऑफ बी एफ आर उन्होंने द एलिमेंट अ सेकेंड

सेवेंटी परसेंट टारगेट फ्रॉम हंड्रेड परसेंट ऑफ ट्वेंटी प्लान फाइन पे आपको बहुत ढेर सारे एक तरह से ना उसके बाद क्या इन्होंने पूछा गया है डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम विल मेक इक्विपमेंट्स इनिशियली एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर ये तो सही है आप बाय करोगे उसमें एक तरह से एन ईपीआर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस केस में प्राइस शुरू में ज्यादा होगा पर बाद में वो द सेम थिंग कैन बी रिफंडेड तो स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट पर अभी इसको समझने से पहले uh, यहां द बेसिक आइडिया इज आपको कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए फाइन तो मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रूल में बेसिकली क्या बातें करी गई हैं छोटे मतलब इन लाइक अ स्मॉल सेंस राइट तो देखो जब भी हम बात करते हैं वेस्ट रूल्स की तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है विच मीन जो रिस्पॉानसिबिलिटी है दैट इज नॉट लिमिटेड टू द प्रोड्यूसर बट जब वो कंज्यूमर के पास जा रही है फाइनली यूज हो रही है री यूज होके कैसे होके तो यहां पे हम पूरी एक सर्कुलर इकोनॉमी कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं सो दैट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे राइट तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं दे हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट एज वेल एंड ऑल्सो फॉर इट्स एक्सचेंज तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो इस चीज में आ, दिस थिंगज बीन एडेड दूसरी बात क्या है जैसे आप लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बनाया है आपको बताई दिया यह एड हो गई है स्टेट गवर्नमेंट का रोल ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सो दैट सेफ्टी और हेल्थ भी इंश्योर करी जाए दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है अर्बन लोकल बॉडीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी गई है दिस इज एन इंपॉर्टेंट राइट अब जो अमेंडमेंट रूल अट्ठारह में आए हैं देर आर सम समे फेज वाइज कलेक्शन टारगेट्स आ गए जैसे कि 10% जो क्वांटिटी जनरेट हो रही वेस्ट की हर साल 10% से इंक्रीज करके और टारगेट लिया है 2023 के बाद वो 70% कर दिया जाएगा ठीक तो ये एक कुछ इससे रिलेटेड सॉरी सम होगा। अब इसमें देखो क्या करा है स्टेटमेंट में टेन हो रहा है अप इन्होंने क्या कर दिया उसको? दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग इसमें ईपीआर की बात बिल्कुल सही है इनफैक्ट ईपीआर यूपीएससी ने टू थाउजेंड नाइनटीन में व्हाट इज ईपीआर रिलेटेड पर यहां पे बिकॉज यहां पे फैक्ट्स पे थोड़ा सा लाइक देयर अ चेंज सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग फाइन एंड द मोमेंट दिस बिकम्स रॉन्ग दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सो आंसर हेयर इज ओनली टू फाइन ई वेस्ट रूल्स रिलेटेड अब एक और सवाल आ गया हेयर वी आर डिस्कसिंग द विद रेफरेंस टू यूवी इफेक्ट ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशन फाइन अब क्या लिखा है द रेट ऑफ यू वी इंडोज फोटो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है जो इम्प्योर प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्ट, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिसर की तरह काम करता है जो डिग्रेडेशन करेगा ठीक अब इसको मैं आपको एक बार इन uh, जो इसको बहुत सिंपल टर्म्स में अगर बताना हो तो इसमें हम जो बात कर सकते हैं कि जो यूवी एक तरह से एनर्जी है तो वो एक तरह से ना यूवी आपका सी सी जस्ट अगर see, देखो जो यूवी एनर्जी आएगी इट इज गोइंग टू एक्साइट सम फोटॉन्स उसके बाद कुछ फ्री फ्री रेडिकल्स बनते हैं इससे क्या होगा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो जो या की बात करी है, उसे डिग्रेडेशन होता है तो यहां पे क्या लिखा है इम्प्योर प्लास्टिक जो अगर प्योर प्लास्टिक होगी तो वो यूवी रेडिएशन को अच्छे से नहीं कर पाएगा की बात है, तो ये कर लेता है राइट दिस इज समथिंग विच कैन लाइक हेल्प दूसरी चीज करिए अगर देखो हम रेट ऑफ यूवी इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन

दैट इज गोइंग टू फार जो रे रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट और ये कॉन्सेप्चुअल भी है अगर आपको ये नहीं भी पता है आप ये सोचो सी में ज्यादा तेज होगा या लैंड में ज्यादा तेज हो सी में वैसे भी सन रेज अगर इफ दे है उसको इंड्यूस करें प्लास्टिक्स हो सकता है पता नहीं कहाँ पे फ्लोट कर रहे हो नीचे हो नहीं हो राइट यहाँ पे स्लो होता है तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट टू इज करेक्ट और ये स्टेटमेंट ऐसे हैं आप इसमें प्लीज जो लैंग्वेज है उससे देख कर घबराओ मत इसमें बस लॉजिक लगाओ और ठंडे दिमाग से सोचना है कि अगर अच्छा सी में हो रहा है लैंड में हो रहा है कैसे करना है दूसरा प्योर प्लास्टिक है इम्प्योर प्लास्टिक है तो ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में अच्छे से मैं बहुत बार क्या होता है हम लोग बुक में ऐसी बारीक चीजें मिस कर जाते हैं विच इज वाई दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर यू कि ऐसी जो छोटी माइन्यूट चीजें हैं विच यू आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू ओवरलुक मिस और नॉट रिमेंबर वो एक तरह से आपको बता दिया गया है

आर आस्किंग यू अबाउट द इन करेक्ट पार्ट फाइन तो यहां पर पहला चीज क्या पूछी गई है प्लास्टिक एक्सपोज टू द सी वॉटर्स टेन टू कॉन्सेंट्रेट टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सी वॉटर एट लो कॉन्सेंट्रेशन ठीक हमसे क्या पूछा गया है हमसे देव आस्ट टू टेल द इन करेक्ट ऑप्शन एक तो यह हो गया दूसरी चीज क्या हो गई Uh, जो पहला आपका स्टेटमेंट है जो uh, बिल्कुल आई थिंक इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो भी प्लास्टिक एक्सपोज है तो उसमें वही एक कंसेंट्रेशन है uh, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक की एंड इट इज एट लो कंसेंट्रेशन दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट फाइन उसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं टॉक्सिक केमिकल्स विद इन एंड एब्जॉर्ब टू माइक्रोप्लास्टिक्स द पोटेंशियल टू मैग्निफाई इन फूड वेब्स वाइल दे हैव अ वेरी लेस चांस ऑफ बायो सा लंबा एक तरह से स्टेटमेंट आ गया राइट right. और इस स्टेटमेंट में आस्किंग एक तरह से बेसिकली आपसे कुछ कुछ सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट क्या है माइक्रोप्लास्टिक्स इज फाउंड इन द आइस ऑफ द आर्टिक रीजन शोइंग दैट कोई भी कॉर्नर या कोई भी जगह पे ये एक तरह से इट इज गोइंग टू इंपैक्ट फाइन तो ये तो सही स्टेटमेंट है तो थ्री भी नहीं होगा आंसर में थ्री नहीं होगा तो बेसिकली आपको पता लग रहा है कि आंसर यहाँ पे होना चाहिए टू ओनली पर एक बार इसको समझ भी लेते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक mm. रेंज mm में होते हैं तो अगर आपने माइक्रो बीड्स या बहुत जो स्मॉल आपके एलिमेंट्स हो रहे हैं सो व्हेन आर इंपैक्टेड और जो मरीन इन्वॉर्यमेंट में आते हैं तो यहां पे इनका बहुत एक पोटेंशियल टू तो बायो मैग्निफाई फूड वेब में वो बायोमैग्निफाई कर सकते हैं राइट दूसरी चीज क्या है उनको दे आल्सो हैव बायो भी बहुत अच्छे से पॉसिबल है तो जब भी आप इस तरह स्टेटमेंट देखो वो क्या कह पार्ट है फर्स्ट इट से बायोमैग्निफाई तो हो सकते हैं पर बायो बायोक्यूमुलेट नहीं हो सकते हैं तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल कोई डिफरेंस होगा कि बायो अक्यूमुलेट जब होंगे उसके बाद ही तो बायोमैग्निफाई हो पाएंगे ना

तेजी से लाइक इट इज गेटिंग मैग्नीफाइड दूसरा एक्यूमुलेट भी होएगा यहां पे है ना तो ऑल बोथ द थिंग्स बी इट बायो मैग्निफिकेशन एंड बाय लाइक एक्यूमुलेशन इज गोइंग टू हैपन फाइन नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसिड रेन से रिलेटेड कुछ-कुछ वी हैव बीन आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस पहला क्या है एसिड रेन से हाई कंसंट्रेशंस ऑफ डिसॉल्वड अमोनियम रिलीज हो रहा है विच ऑफन एंटर्स द स्ट्रीम्स एंड लेक्स वो फिश ग्रिल्स और को डैमेज करता है और रेस्पिरेशन को हार्म करता है तो एसिड रेन वी नो एसिड रेन इज बेसिकली इट्स वेरी हार्मफुल, राइट और इसमें होती क्या एसिड रेन में आपको पता है इट हैज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इसका पीएच कितना होगा तो पीएच इज यूजुअली लेस देन 5.6 एसिड रेन के और ये लेक्स डैमेज एनिमल्स प्लांट्स सबको मतलब इट इज डैमेजिंग ऑल ऑफ दिस पार्ट तो यहां पर क्या पूछा है पहले जो चीज स्ट्रीम ऑफ फिश ग्रिल्स और इम्पियोर एस्पिशन दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा है तो दिस स्टेटमेंट इज राइट इफ दिस इज राइट द आंसर हैज टू बी दिस और दिस तो बेसिकली स्टेटमेंट टू तो गलत ही हो गया और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं नॉर्थ हमिस्फेयर हैज मोर इंटेंसिटी ऑफ एसिड रेन ड्यू टू ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बिल्कुल सही है और नॉर्थ हमिस्फियर में ट्रीज तो दिस इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है Fine. अब second statement में क्या लिखा है वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन एटमोस्फिट बैक टू अर्थ थ्रू ड्राइड डिपोजिशन ड्यू टू कन कंटिन्यूस कन्वेक्शन फाइन तो ये जो आपका बेसिक uh, जो स्टेटमेंट है यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है एक होता है वेट डिपोजिशन का ठीक और एक होता है ड्राई डिपोजिशन का राइट तो यहां पे बेसिकली इस स्टेटमेंट वो कॉन्सेप्ट आपके लिए ट्विस्ट कर दिया गया है राइट अब ये मैं आपको अगर एक सेकंड अलग से आई जस्ट टेक अ मिनट मैं आपको बत, बता देता हूं ये होता क्या है दिस इज वेट डिपोजिशन एंड द अदर इज ड्राई डिपोजिशन फाइन तो देखो ड्राई डिपोजिशन में बेसिकली नाम से आपको पता चल रहा है वेदर ड्राई है और जो एसिड और ये सारे जो केमिकल्स हैं दे दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डस्ट तो जो भी ड्राई डिपोजिटेड जो गैसेज हैं और जो रेन स्ट्रॉम्स होंगे वो वहां से वॉश ऑफ हो जाते हैं और ये क्या बोलते हैं जो आपकी बिल्डिंग्स हैं जो ग्राउंड है वो वहां चीज़ें स्टिक करती हैं तो जो भी एक तरह से रेन स्ट्रॉम आएगा ना तो वो सारी चीजों को हटा के लेके इट इज वाटर को एसिडिक बना देता है तो ये तो ड्राई डिपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वेट डिपोजिशन में क्या हो गया तो जहां पे वेदर वेट है तो वेदर वेट मतलब यहाँ पे uh, जो एसिड होगा वो गिरेगा कैसे वो रेन स्नो फॉग इस तरह से यूज हो सकता है फाइन और जो एसिडिक वॉटर है जब वो मूव करता है ग्राउंड से मूव कर सकता है तो प्लांट्स एनिमल सबको इंपैक्ट कर रहा है फाइन। तो यहां पे ये तो बेसिक चीज हो गई तो क्या पूछा गया है सवाल में आपसे टॉक्सिक केमिकल्स सॉरी जस्ट कि बहुत कम वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन एटमोस्फियर फॉल्स बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन दिस इज रॉन्ग क्यों क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एसिडिटी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट आपकी ड्राई डिपोजिशन से ही आती है क्योंकि जो भी एसिडिक हैं जो dry, sticky जो ड्राई स्टिकी कॉम्पोनेट्स हैं वो डस्ट की फॉर्म्स में या स्मोक के फॉर्म्स में बिल्डिंग्स और कार्स बहुत जगह पे दे आर लाइक वो रहते हैं तो यहां पे क्या कह रहे हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी नो इट इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एसिडिटी फाइन ये भी आप समझिए कॉन्सेप्ट ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन का फाइन अगेन आई थिंक नाउ वी हैव एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स ठीक ये भी अपना इंपॉर्टेंट लाइक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी यूजली रीड अबाउट इसमें क्या दिया है पहला स्टेटमेंट इट इज एन इनिशिएटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया विच इज एम्ड एट डेवलपिंग क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉल्यूशन प्रिवेंशन बिल्कुल सही बात है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रब्लम्स में भी एंड आल्सो फॉर योर मेंस यू कैन ऑल ऑलवेज मेंशन कि वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स किस लिए बन रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन इसे रिलेटेड करने के लिए फाइन दूसरा क्या लिखा है इट इज एसोसिएटेड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक राइट यहां पर यह गलत हो गया यहां पर इट्स रिलेटेड टू तो वर्ल्ड बैंक अगर स्टेटमेंट टू गलत हुआ तो नाउ यू हैव टू चेक फॉर स्टेटमेंट थ्री अब क्या लिख रहा है इट रिकोग ओनली द रोलमेंट एंड सिटीजन फाइन तो यहां पर क्या है देखो ये बहुत इनकम गवर्नमेंट तो है, है उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनजीओ फाइन तो इट्स इट्स ये इसमें सबको ही इंक्लूड कर रहा है एंड यहां पर आइडिया इज की हम सारे एक्सपर्ट्स की एक ओपिनियन लेंगे वी विल है कंसल्टेटिव अप्रोच सो दैट एक ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमववर्क बन जाए एंड इससे रिलेटेड जो पॉल्यूशन या वेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी शेयर अक्रॉस सो आई थि अगर इनकेस आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आज ये आपको पता चल गया है फाइन वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स वर्ल्ड बैंक एंड एम डैट क्लीनिंग प्रोड्यूसिंग क्लीनर प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इसका आंसर आओ गया नाउ वन मोर क्वेश्चन विद इसको भी हम लोग लाइक विल सॉल्व दिस इट इज सेड Uh, यहां पे सॉलिड वेस्ट की बात करी गई है राइट right? तो सॉलिड वेस्ट में क्या पूछा गया कार्कस ऑफ एनिमल्स आर कैटेगराइज अंडर सॉलिड वेस्ट अगेन प्लीज बी वेरी श्योर इनकरेक्ट पूछा है कार्कस व्हाट डज इट मीन इंग्लिश का वर्ड इट मीन बेसिकली बेसिकली द डेड बॉडीज और सॉलिड वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सी सॉलिड वेस्ट इज ऑफ मेनी टाइप्स ऑर्गेनिक uh, वेस्ट आ सकता है सोलिड वेस्ट में डेड एनिमल्स जिसमें कार्कस आ जाएगा आपका फाइन कंबेटेबल जो मटीरियल हो गए जैसे कि वुड ड्राइड लीव्स एशेज इसमें आ जाएगा हजार भी आएगा जो कि बैटरी एसिड हो सकता है कोई मेडिकल वेस्ट हो सकता है ठीक कंस्ट्रक्शन वेस्ट तो ऐसे काफी कॉम्पोनेट्स हैं जो इसमें आ जाएंगे राइट उसके अलावा और क्या चीजें हैं कि आ, एक और जैसे इसमें आ, जो बेसिकली सॉलिड वेस्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कोई भी ऐसा मतलब गार्बेज हो सकता है स्लज एनी थिंग विच इज डिस्कार्डेड विच ऑल्सो इट कैन बी इंक्लूडिंग सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड इस तरह से जो भी होगा ना विच मतलब इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कॉल्ड सॉलिड वेस्ट फाइन सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अब हम इसी पे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं द स्टेटमेंट से इज दैट कौन सा इनकरेक्ट है पहली बात कार्कस आर द कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट बिल्कुल सही है जिसमें आपको बताया देर आर मल्टीपल कैटेगरीज द सेकेंड इज जे एन आर यू मिशन में डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करी गई है राइट right? तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इसमें ये बात बिल्कुल करी गई है राइट right? इनफैक्ट अगर मैं आपको और भी बताऊं तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो उसमें दो अलग तरह से डस्टबिन दी गई हैं। ब्लू एंड ग्रीन, ग्रीन तो उसमें जो एक तरह से है उसमें वेट वेस्ट वेस्ट। आएगा, ब्लू फॉर सॉलिड ड्राई तो ये used, अब pyrolysis, अभी pyrolysis मैं आपको बता देता हूं पायरोलिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पायरोलिसिस होता क्या है बेसिकली सॉलिड वेस्ट को आप बर्न कर रहे हो बट ये कैसे बर्न करते हो इसको आप बर्न कर रहे हो इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहली बात तो दूसरी बात क्या हो गई वेरी हाई टेम्परेचर तो ये क्या हो गया आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पायरोसिस uh, में सॉलिड वेस्ट को बर्न कर रहे हैं एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन वेरी लार्ज टेम्परेचर अब एक और कॉन्सेप्ट uh, इसी से रिलेटेड है एक तो पैरोलिस हो गया दूसरा होता है इन सीनरेशन ये दोनों concepts बहुत क्लोज है सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल प्लीज अब बी वेरी अलर्ट यहां पर हुआ सॉलिड वेस्ट को हम बर्न कर रहे हैं एक लार्ज फरनेस में एक बहुत हाई टेम्परेचर पे यहां पर लार्ज फर्नेस आ जाएगी राइट right? एंड यहां पर भी हाई टेम्परेचर है वॉट इज दिस

एटलीस्ट कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा हो इन सब में। फिर हमने बायोस्पैर इनको समझा राइट देन वी ऑल्सो सॉ ओजोन सल्फर ऑक्साइड आई थिंक इस पर हमने काफी सवाल करे हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बारे में बात करी उसके बाद असिडिफिकेशन ऑफ लेक्स और कैसे एंथ्रोपोजेनिक एसिडिक लेक्स

ड्यूरिंग द कोल्ड विंड्स एंड रिलेटिवली विंड्स किस तरह से स्मॉग इज वेरी विंडोमेंट उसके बाद ई वेस्ट की बात करी हमने एंड वी ऑल्सो सो द ई वेस्ट रूल्स वी ऑल्सो द यूवी इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन राइट तो फिर हमने एक तरह से माइक्रो प्लास्टिक्स की बात करी माइक्रो टोल्ड यू इसमें बायो एक्मेशन बायो मैग्निफिकेशन दोनों चीजें होती हैं देन वी ऑल्सो सो वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स एसिड रेन की बात करी वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स आई होप एक दिस इज अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू शुड बी एटलीस्ट नोइंग अबाउट राइट उसके बाद हमने वी ऑल्सो सो सॉलिड वेस्ट राइट सो आई होप इस चैप्टर में यू हैव बीन एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो भी नई लर्निंग्स है आपकी प्लीज राइट इट डाउन प्लीज रिवाइज इट एंड वी एट सून आई एस ट्राइंग टू इम्प्रूव और एटलीस्ट एड योर प्रिपरेशन ये हमारा तीन हजार एमसीक्यू प्लस कोर्स है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन पॉसिबल मैनर रिवाइज हो रहे हैं सो so दैट आप जब इस बार प्रोबो विदर्टेटी एंड कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू सो वी डाइव चैप्टर्स नाउ आई नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर सिक्स सो होप टू सी यू सून बाय